मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर तहसील घाटी गांव के बरई ब्लॉक हॉस्पिटल प्रांगण में डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव द्वारा कोरोना मरीजों की जांच करते हुए यह दृश्य आप देख रहे हैं। आज सारे विश्व में जिससे लोग परेशान हैं, कई अन्य की मौतें हो चुकी हैं, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से आप जहां पदस्थ हैं इस समय बरई में, कैसे जांच की जा रही है, कितने प्रतिशत जांच की जा चुकी है तथा इसकी क्या रिपोर्ट है? हमारे बरई ब्लॉक में जहां तक जांच का सवाल है तो बड़ी अच्छी लेवल पर और सफलतापूर्वक जाँच की जा रही है। कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, हमारे CMHO और डॉक्टर बिंदु सिंघल के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ 1,500 से ज़्यादा सैंपल हम ले चुके हैं बरई प्रॉपर में। अगर हम बात करें पूरे ब्लॉक की तो मोहना ब्लॉक में भी तकरीबन 1,000 से ज़्यादा सैंपल, वहाँ सैंपलिंग चल रही है, जहाँ की सैंपलिंग डॉक्टर रवि कुमार शर्मा और डॉक्टर रंजीत राठौर द्वारा की जा रही है। बरई में सैंपलिंग के लिए और फीवर क्लिनिक के लिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हम लोगों ने एक टीम बनाई है, उस टीम में हमारे साथ MMU टीम में मेरे साथ मेरा असिस्टेंट रहता है, लैब टेक्नीशियन रहते हैं, हम लोग तीनों लोग किट पहनते हैं। और अब हम लोगों की ड्यूटी जो है जिला प्रशासन के द्वारा हर जगह गांव-गांव जहाँ भी 500 की भी आबादी है, 100 लोगों की भी आबादी है, डेली हम लोग वहाँ जा रहे हैं, गांव वालों को कलेक्ट करने हैं, प्रशासन के जितने लोग, राजस्व के जितने लोग, पटवारी या हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, ये लोगों को प्रोत्साहित करके लाती हैं, इकट्ठा करती हैं। हम लोग मौके पर पहुँच के रजिस्टर करते हैं उनका नाम और उनकी सैंपलिंग का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं और हम इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को डेली अवगत कराते हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी गांव, ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता रहेगा जहाँ तक हमारी टीम वहाँ तक नहीं पहुँचे। डेली हम लोगों ने एक तैयार किया है रिकॉर्ड कि हर गाँव में यहाँ पर इतनी सैंपलिंग होनी है, इतनी सैंपलिंग होनी है, ये हमने पूरा तैयार करके रखा है रिकॉर्ड हमारे पास पहले से ही। और बीच में हम बरई में भी सैंपलिंग करते हैं, इसके अलावा हमने अभी हमारी तरफ से CRPF कैंप में भी सैंपलिंग की गई। CRPF में हमारे यहाँ कम से कम 700 से ज़्यादा जवानों की सैंपलिंग की जा चुकी है। यदि हम पूरे बरई ब्लॉक की बात करें तो बरई ब्लॉक में हमारे यहाँ सैंपलिंग का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है। आप डाटा उठा करके देखें तो 1,500 से ऊपर की जाँच, लोगों की जाँच हो चुकी है। और ज़िले में ये आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आला प्रशासन के अधिकारियों ने भी बोला कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बरई में और मोहना में सैंपलिंग बहुत अच्छे से की जा रही है।